पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स के जरिए तमाम सब्र और मुकाबला खताती का अहतमाम किया गया, जिसमें जमीन भर से 150 से ज्यादा तलबा तलबात ने हिस्सा लिया। तकरीब में असिस्टेंट डायरेक्टर पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स शमसा गेलानी, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर मुनावर हुसैन और दीगर अफसरान, प्रिंसिपल और साथ ने शिरकत की। जीतने वाले तलबा तलबात को इनामात से भी नवाजा गया। मुकर्ररीन का कहना था कि गैर निसाबी सरगर्मियाँ एक तालिबे इल्म में टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट की सहूलियत बढ़ाने में मदद देती है, जिससे इनकी मजमूई कारकर्दगी बेहतर होती है। मजीद कहना था कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुमाइला इफ्तिखार है, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर डिज़ाइन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में हूँ। तो आज का जो इवेंट है, पेंटिंग का कॉम्पिटिशन है यहाँ पर। वैसे तो ये यहाँ पे डिफरेंट हर मौक़ों के ऊपर ना करवाते रहते हैं। एक जो अच्छी बात है कि वो किसी भी मौके के ऊपर ये पेंटिंग और आर्ट के हवाले से कंपटीशन करवाना या फिर वैसे ही करवाना भूलते नहीं है। यहाँ पे मैं एज ए जज आया हूँ। ये जो गुजरांवाला आर्ट काउंसिल में जो कंपटीशन हो रहा है पंजाब आर्ट काउंसिल की तरफ से, ये एक बहुत ही मयारी और बहुत अच्छा इकदाम जो है और बहुत अच्छा कंपटीशन हो रहा है। यहाँ पे हमने देखा कि गुजरांवाला डिवीज़न में जो बच्चे यहाँ पे शिरकत कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत क्रिएटिव काम कर रहे हैं। कैलीग्राफी में भी उन्होंने जो अरबी रस्म अलखतूत हैं वो भी यूज़ किए हैं, कूफिक में, सुलस में, और इसके अलावा मुसवरी में जो उन्होंने एक अच्छे लेवल की क्रिएशन बना रहे हैं, काबिले तहीद है। पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स गुजरांवाला डिवीज़न ने आज मुकाबला मुसवरी और खताती 2023 का इनेकाद किया था, जिसमें डिवीज़न भर से 18 से 35 साल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इस प्रोग्राम का जो थीम था वो पुरअमन पाकिस्तान था, और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने का मकसद ये था कि हम जो हमारी यूथ है हमारी डिवीज़न की, उसको एक ऐसा मौका फराहम करें कि वो अपनी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं उनको रंगों के ज़रिए उजागर कर सकें।